हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th यूनिट 4। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं हम लोग, और हम पहुंच गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो एक्चुअली में सेकंड क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न एक में, प्रश्न एक में चार पार्ट दिए हुए, तो प्रश्न एक का ही चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेकिन देखो, प्रश्न एक में क्या था कि आपको बताना था समीकरण का मूल अस्तित्व ही नहीं, और उसको सॉल्व करना था आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। और वो विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस विधि का जो प्रयोग है वो 11th 12th में बहुत होता है। तो आपको उस विधि को बहुत जरूर से ज़रूरी आपको सीखना है, ठीक है ना। अभी आपके पास यहाँ पर जो एक्चुअल में जो समीकरण को सॉल्व करना है, अगर समीकरण का मूल अस्तित्व होगा तो उसे द्विघात सूत्र के द्वारा आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली में इस चैप्टर का टारगेट ही यही है कि आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना सिखाया जाए, इसलिए चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कैसे हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट आपके पास कि 2x² - 7x + 3 = 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट का ही मैंने लिया है, पहला दूसरा पार्ट दो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक्चुअली पहले डी निकालेंगे सीधा। तो मैं आपको डी पहले ही बता चुका हूँ कि डी जो होता है, जो एक्स के साथ लिखा होता है वो बी होता है ना, तो -7 है, देख सकते हो यहाँ पे -7 है। और x² के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, a होता है, तो a क्या है 2। और जो इसके साथ कांस्टेंट यानी ना x होता है ना x, वो कांस्टेंट वैल्यू तो वो इसी होता है। ये ऐसा लगा तो ये होगा 749। -7² क्या हो जाएगा, प्लस होगा 749 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ चार दुनी आठ दिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 मिल गया। तो d देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास लिख सकते हो कि यहाँ पे जो d है वो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू, अगर जीरो जीरो के बराबर भी आए या जीरो से बड़ा है तो ये अगर, तो क्या लिखोगे, समीकरण का मूल अस्तित्व में है, समीकरण का मूल क्या है, अस्तित्व में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने लिखा, देखो पहले क्वेश्चन में भी हम लोग यही करते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैं किसका प्रयोग करूँगा, इसको समीकरण मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करूँगा, ठीक है ना। तो मैंने और पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ यूज क्या कर रहा था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यूज कर रहा था, मैंने लिखा द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है बेटा। तो द्विघाती सूत्र में बेटा क्या करना होता है, एक्स लिखोगे, यहाँ लिखोगे -b, प्लस माइनस का आपके पास डी हो जाएगा, नीचे क्या होता है 2 होता है, ये द्विघाती सूत्र है। डी यहाँ पे आप आपके बुक में 20² - 4ac भी लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे देखो 20² - 4ac का मतलब डी है ना, डी निकल के आया है ना, ये आपके पास क्या निकल गया, डी निकल गया है। तो आप यहाँ 20² - 4ac ना लिख के डी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास ये -b प्लस माइनस का डी अपॉन में 2a होता है ना। तो अपने माइनस का बी क्या रखा, देखो बी की समीकरण में देखो जो बी की वैल्यू क्या है, -7 है, एक्स का जो लिखा तो बी होता है, तो ये माइनस फार्मूले का माइनस, और बी एक्चुअल में खुद भी क्या है, -7, तो मैंने यहाँ -7 लिखा। डी की वैल्यू जो निकल के है बेटा आपके पास 25 रखा, 2a, a की वैल्यू इनके बीच कॉन्स्टेंट गुणा का निशान है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो मैंने 2 रखा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। और 25 जो है पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आपके पास 5 देगा ना, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, बटा 4 आ गया। अब देखो यहाँ बीच में जो निशान है वो प्लस माइनस का, तो मैं एक बार क्या कर सकता हूँ, इसको प्लस में लिख सकता हूँ, और एक बार से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो 7 और 5 12 हो गया, 12/4, और यहाँ हो गया 7 में से 5 का 2/4, ये वो 4 + 12 = 3 आ गया। और यहाँ पे सब काटोगे तो क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये जो 3 और 1/2 निकला है यही एक्चुअल में समीकरण का मूल है, तो यहाँ लिख भी सकते हो आप, है ना। अतः समीकरण का मूल, समीकरण का मूल क्या आगे निकल के आया बेटा, समीकरण का मूल 3 और 1/2 आंसर हो गया बेटा इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समीकरण को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये द्विघात समीकरण का और द्विघाती सूत्र का यहाँ पे हमने प्रयोग सीखा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर से हम ये जो सेकंड क्वेश्चन को देखते सॉल्व करके इसी सूत्र से, पहले तो आप डी निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा बेटा, 20² - 4ac हो जाएगा। बी क्या बेटा, एक्स के साथ कुछ भी नहीं, तो एक है बी, और 4a क्या आपके पास 2, और c क्या आपके पास -4 है, क्या है, -4। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखो 1² 1 हो गया आपके पास, 1² क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 दुनी 8 और 8 चौक क्या हो जाएगा, 32, और ये दोनों माइनस मिले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या प्लस का 33 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो डी की वैल्यू है वो बड़ा है किससे, जीरो से बड़ा है, किससे, जीरो से। अगर ये जीरो से बड़ा होगा तो आप लिखेंगे समीकरण का मूल अस्तित्व में है। देखो यहाँ पर सीधा सीधी सी बात है, अगर जीरो डी की वैल्यू अगर आपके पास जीरो,
या जीरो से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हम लिखेंगे समीकरण का मूल अस्तित्व में है। क्या लिखोगे? समीकरण का मूल क्या है? अस्तित्व में है। और अब मूल कैसे निकालेंगे? किसका प्रयोग कर रहे हैं बेटा? अस्तित्व में है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? आपको प्रयोग करना है द्विघाती सूत्र का, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र द्वारा, तो द्विघाती सूत्र द्वारा आपने क्या किया? आपने लगाया यहाँ पर, और तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? या लिखेंगे एक्स, एक्स की जो वैल्यू मूल निकालती है, माइनस का बी प्लस माइनस डी अपॉन में क्या होता है? टू ए होता है बेटा। तो माइनस का बी क्या है बेटा आपके पास? देखो जो बी क्या है आपके पास, एक है, तो एक है तो माइनस का फार्मूले में ही माइनस है, तो बी की वैल्यू एक है, तो मैंने एक लिखा। डी की वैल्यू आपके पास क्या? 33 निकल गया है ना। डी की वैल्यू क्या? 33, मैंने 33 निकल गया। देखो ये डी है ना, ये जो निकल गया है क्या? डी निकल गया है। 33 का 2a, a की वैल्यू क्या है? एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा था वो a की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा है, तो माइनस और ये होगा प्लस, प्लस माइनस ये होगा इसका। तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इसका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, तो ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। और ये दो दिन क्या होगा? 4 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि अब मैं इसे यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्लस का ये जो वैल्यू है, प्लस का भी माइनस का भी, तो प्लस वाले को मैंने एक तरफ कर दिया बेटा यहाँ पर, और दूसरे मैंने मेरे क्या किया माइनस का 1, और ये जो माइनस वाला ना यहाँ माइनस लिखा, माइनस में रूट 33 बटे में क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से ये जो प्लस माइनस वजह से मैंने इसको दो भागों में स्प्लिट कर दिया, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो आपका एक मूल ये रहा और दूसरा मूल क्या होगा? ये होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक मूल ये रहा और एक मूल ये रहा, ठीक है। तो इस समीकरण का 2 मूल निकल गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा हमने द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करना हमने यहाँ पे सीखा है, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण का प्रयोग करके हम इस तरीके से सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आया तो क्या करना है? इसे अपने दोस्तों को, अपने छोटे बड़े भाइयों को अधिक से अधिक शेयर करना है, और इस चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी में ना 6 से लेकर 12वीं तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले चैनल के साथ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करो, ताकि उनको भी NCERT फुल हिंदी में समझ में आए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।